दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं भैया, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की अपडेट आ रही है इसरो की तरफ से, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से। यहाँ पर एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए बीई, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, फ्री है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा यार अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी भी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाने की है। जैसा कि मैंने बताया, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961। सबसे पहले करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे आपको हर एक स्टेट का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे बिहार, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार का भी आपको ऑप्शन नजर आएगा। लेकिन अगर आपने बीई बीटेक डिप्लोमा किया हुआ है महाराष्ट्र से, गुजरात से, गोवा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, दादर नगर हवेली से, दमन एंड दीव से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई अगर आपने किया हुआ गुजरात से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में भी आप ये देख सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन दीव के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय से डिप्लोमा डिग्री प्राप्त किया है तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिस पद के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित किया जाता है जो गुजरात से मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई किया है। तो आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म में आपको हर एक स्टेट आपको नजर आ जाएगा, तो आपके ऊपर है, देखिए आपको क्या करना है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप अक्टूबर 2019 के पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अक्टूबर 2019 के बाद अगर आप पास आउट हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भैया पास आउट हुए 3 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पास आउट हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये MHRD NATS के साथ नहीं जुड़ा है, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा आपको इसको अप्लाई करने के लिए। देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर आपने डिग्री 60% के साथ पास किया हुआ है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और सिविल में वैकेंसी निकली हुई है। आईटीआई में COPA, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन, सिविल, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, पेंटर, लैब अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, RAC, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एंड रेडियो टीवी, इलेक्ट्रीशियन के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट की बात करें तो एज यहां पर 18 से 35 साल 18 से 35 ईयर्स रखी गई है। एज ऑन 9th of October 2022, 9 अक्टूबर 2022 तक आपकी उम्र 35 साल 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को एज में रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाने का है। अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि बीई बीटेक वाले हैं तो 9,000 rupees पर मंथ मिलेगा, और अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो 8,000 rupees पर मंथ मिलेगा। आईटीआई वालों को 7,700 rupees पर मंथ यहां पर मिलने का है। 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग होने की है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो आपके बीई बीटेक में, डिप्लोमा में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं उस हिसाब से लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए यहां पर बुलाया जाने का है। बीई बीटेक में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 80%, 85%, 90% है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस यहां पर ज्यादा होने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर पास आउट हुए 3 साल से ज्यादा समय हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अक्टूबर 2019 के पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर अभी फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपने कहीं से पहले 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब का एक्सपीरियंस हो गया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म खुल चुका है दोस्तों, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। फॉर्म खुला है 21 सितंबर 2022 से 21st ऑफ सितंबर 2022 से फॉर्म खुला हुआ है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9th ऑफ अक्टूबर 2022 रखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। यही थी कुछ चीजें, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
भाई पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि भैया मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।